तो ख़वातीन और हज़रात, हम लोग पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद जंक्शन, जहां से हमने ट्रेन की टिकट करवाई है कराची कैंट के लिए। और बहुत ही गर्मी है आज, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। जिस ट्रेन पे मैं जा रहा हूं उसका नाम है सर सैयद एक्सप्रेस, और ये रिसेंटली प्राइवेटाइज हुई है। इसको रास लॉजिस्टिक्स वाले इस ट्रेन को डील कर रहे हैं, और ये सबसे कम स्टॉप्स वाली है और सबसे कम ड्यूरेशन भी इसकी लगती है अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, जो मैंने जितने भी सर्च किया। तकरीबन आठ गालबन या नौ स्टॉप ये करती है वज़ीराबाद से ये इसके कराची तक के सफ़र में, तो ये सबसे कम है। तेज़ गम वगैरह के ज़्यादा हैं, 13 हैं, 20 हैं, किसी के 48 भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सबसे कम थी इसलिए ये बुक की है। ट्रेन का टाइम है निकलने का 4:45, और तकरीबन 4:20 हो गए हैं और मैं स्टेशन पे पहुंची हूँ। क्योंकि आज 27 मार्च है, और पीटीआई और नॉन लीग वालों के जो इनकी रैलीज़ हैं, मार्चेज़ हैं, वो भी जा रहे हैं उधर इस्लामाबाद में, तो उसकी वजह से मैं अवॉइड करना चाहता था कोई इशू ना हो रस्ते में, इसलिए मैं स्टेशन पे जल्दी पहुँच गया हूँ। यार एक पानी की बोतल छोटी, कितने? बैठने की जगह इस वक्त सहद धूप के अंदर मिली है। स्टेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश है और ट्रेन के आने का इंतज़ार हो रहा है। जैसे कि बताया कि तकरीबन अभी 30 मिनट हैं ट्रेन के आने में, और अगर तो अवामी एक्सप्रेस आई है, लेकिन जो मेरी बुकिंग है वो सर सैयद एक्सप्रेस की है, सर सैयद। तो अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ट्रेन आ गई है, लेकिन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, अवामी एक्सप्रेस है। ये सर सैयद एक्सप्रेस आई है, लेकिन ये कराची से आई है और ये रावलपिंडी जा रही है, और जो हमने जिस पे जाना है वो रावलपिंडी से आएगी कराची जाएगी। कमाल बात है यार, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है ना वो ट्रेन मेरे ख्याल में 5 मिनट पहले ही आ गई है। फर्स्ट टाइम, मैंने 2 दफ़ा पहले ट्रेन प्योर ट्रैवल किया है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम से पहले ट्रेन आ जाए। घंटा घंटा वेट करना पड़ता था। पता नहीं अब ये प्राइवेट ट्रेन है इसलिए या दूर जा रही है इसलिए टाइम पर आ रही है, लेकिन टाइम पर आ रही है। फाइनली ट्रेन आ गया।
ताला सबका हम जो नासिर हो। इतना लंबा ट्रेन के ऊपर मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से सीट ली है अपनी। हालांकि मैंने बुकिंग करवाई थी तकरीबन 4 दिन पहले अपनी सीट की, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीट को ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं। जो लोग लेट बुकिंग करवाते हैं उनको सीट नहीं मिलती, तो उनसे अपनी सीट लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो मिल गई है सीट मुझे अपनी। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से अपना गांव देखूँगा ट्रेन से बैठ के वैसा लगता है। लाहौर वगैरह से जब भी आते हैं तो रुक जाते हैं हम लोग गुजरा वाला स्टेशन पर, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मैं हजराबाद स्टेशन से बैठा हूँ। आज देखते हैं क्या हालात है। हैदराबाद से बैठे जी जी चुके हैं फैसलाबाद में और यहाँ पे हमारा आधे घंटे का स्टॉप है और ट्रेन जो है वो अभी गई है बोगियों के साथ अटैच करने के लिए और यहाँ पे हम लोग अब खाने पीने की ब्रेक ले रहे हैं। मैंने अपनी फेवरेट नान शामी ली है और जो जो मेरे दोस्त ये वीडियो देखते होंगे उनको पता है मुझे नान शामी किस हद तक पसंद है या कुछ भी हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा नान शामी को। और साथ मैंने चाय ली है। चाय जो है ना वो डीजल होता है बंदे का। फजलुर रहमान की बात नहीं हो रही, चाय की बात हो रही। ओए वेख के ओए धन्यवाद देना जाओ रे बोलने जे अच्छा है जरा करते हां सुसु गाड़ी आ रही है, आठ डब्बे आ रहे हैं ना और अब हमारा डिपार्चर का टाइम हुआ चाहता है। एक दफ़ा फिर से ये जो बोगियाँ अटैच होनी थी वो हो गई हैं और अब गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टॉप भी काफ़ी देर के बाद आएगा, तकरीबन कोई 3-4 घंटे के बाद स्टॉप आएगा और मेरे ख्याल में वो पंजाब की एंडिंग होगी जहाँ पे स्टॉप आएगा। तो खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं ताकि रास्ते के अंदर हमें जो चीज़ की ज़रूरत हो वो पास हो और अब आगे जा के देखते हैं कहाँ पर स्टॉप होता है, लेकिन मुख्तसर सा होगा ये मैं श्योर हूँ। कैबन नंबर 10, हमारा कैबन नंबर 15 है, तो यकीनन हमें दूर तक जाना पड़ेगा भाई। अरे भाई ट्रेन 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 ट्रेन, ये कैबन आ गया 12, ये कैबन आ गया 13 और हमारा कैबन है कैबन नंबर 15। अब हम अपने कैबन के करीब आ गए हैं। फिर कौन मरिंडा सैनम कैन आले
अगला स्टॉप हमारा बहावलपुर स्टेशन पे होगा और अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफर है। अभी हमने ये इसके ऊपर स्पीडोमीटर लगाया अपने फ़ोन के ऊपर, तो अभी देखते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट स्पीड कहाँ तक जाती है ट्रेन की। वैसे जो मैंने मीटर लगाया था उसके मुताबिक तो 104 किलोमीटर पर आवर तक गई थी, लेकिन और कुछ व्लॉगर्स के मुताबिक जिन्होंने इस ट्रेन के ऊपर सफ़र किया है वो कहते हैं कि 110 किलोमीटर पर आवर से ऊपर तक ही जाती है। जहाँ तक इसकी टिकट रिजर्वेशन की बात है तो वो रास्त की आप ऐप से कर सकते हैं, जो कि रास्त लॉजिस्टिक्स के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और वहाँ से आप अपनी डेट डाल के और जिस स्टेशन से आपने बैठना है वहाँ पे पिकअप पॉइंट सेट करके और आगे आप अपनी जो डेस्टिनेशन है, जैसे मैंने वज़ीराबाद के बाद यहाँ पे वज़ीराबाद जंक्शन सबसे पहले ऐड किया और उसके बाद मैं अपने अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन कराची कैंट डाली, और फिर आप अपनी सीट के लिए जो आपने जिस दिन सफ़र करना है वो सेलेक्ट करते हैं और आप फिर बुकिंग पर क्लिक करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। फेयर्स वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, आपने इकॉनमी में ट्रैवल करना है, बिज़नेस में करना है या स्टैंडर्ड में करना है। रात का टाइम है, मैं चाय पी रहा हूँ और सब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं हानेवाल, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप होगा और इसके बाद आगे बहावलपुर है और फिर आगे सिंध के अंदर जाके स्टॉप होगा और लास्ट में कराची। मज़े की बात ये है कि सिर्फ 2 से 3 स्टॉप रह गए हैं, लेकिन ड्यूरेशन जो है ना अभी वो तकरीबन 12 घंटे है सफ़र की ओर। तो अभी हम पहुँच गए हैं हानेवाल स्टेशन और यहाँ से मज़े मज़े की चाय पी रहे हैं। आने वाले पहुँच गए हैं और ऐसा रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ एक्सपीरियंस के मैं कहूँ कि ये डिस्टर्बिंग था या ऐसा कुछ। हाँ, जब आप स्टॉप पे नीचे उतरते हो तो लोग बैठ जाते हैं, वो खैर आप उन्हें बोलते हो ये मेरी सीट है, उठ जाते हैं, वो मसला नहीं है। मैंने अभी भी हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तब से खान की स्पीच शुरू हो गई थी वो भी मैं सुनने लग गया था और उसके बाद एक मूवी देखने लग गया था। 4 से 5 घंटे का सफ़र गुजारना था, गुजर गया, अब हानेवाल पहुँच गए हम, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। स्पेशली जो इन्होंने बिरयानी दी थी वो बड़ी मज़े की थी। Thank you।
पुलिस स्टेशन के बाद हमारा अगला स्टॉप होना है हैदराबाद स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पे तकरीबन इतना टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप होगा, तो जो भी खाना या नाश्ते के लेना है वो हमें यहाँ से लेना होगा, वहाँ पे इतना टाइम नहीं। तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, अंडा पराठा ही हर तरफ है और मुझे पता नहीं अब इनका अंडा पराठा कैसा होगा, मेरे से लेना चाहता। तो अभी अब हमारी ट्रेन चलने लगी है रोड़ी स्टॉप से हैदराबाद स्टेशन के लिए। नाश्ता भी कर लिया हमने, एक पराठा और साथ अंडा और उसके साथ एक कप चाय, जो देसी नाश्ता होता है हमारा। लेटा खा दिया, तो उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी सीट दे दो, और वो मेरी सीट पर बैठ कर मैं बर्थ पे लेट गया हूँ। मैं भी सारी रात नहीं सो सका, छत बिल्कुल मेरे ऊपर है, मैं कैमरा सीधा नहीं रख पा रहा, तो शुक्र है कुछ मेरा सांस ठीक है, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ।